गांववाणी स्टूडियो के रविवार विशेष कार्यक्रम आओ लौट चले गांव की और प्रकृति की ओर में। आज हम आप लोगों को एक कृषि विशेष कार्यक्रम के माध्यम से आज आपको जोड़ने का काम करेंगे हम अपनी टीम के साथ। आप देख रहे हैं कि किसान प्रशिक्षण केंद्र जो युवा जागृति मिल्क एंड एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के माध्यम से कोथल के पास ये स्थापित किया हुआ है। यहाँ किसानों को आधुनिक एवं नवीन जो कृषि की जो पद्धतियां हैं उनको सिखाने के लिए एक ट्रेनिंग सेंटर का एक सेटअप किया हुआ है। यहाँ अब की बार गिरिराज जी और हरीश जी के कोऑर्डिनेशन में और साथ में जतन जी के एक साधा प्रयास से यहाँ पर आप देख रहे हैं कि तरबूज की आधुनिक तरीके से जो खेती की जाती है ड्रिप इरिगेशन, और आप देख रहे हैं कि यहाँ मल्चिंग के माध्यम से सर्दी से बचाने के लिए इसे ढककर और एक पूरी तरीके से यहाँ उन्होंने बीजोपचारित करके और पिछले एक दो दिन पहले यहाँ तरबूज और साथ में उन्होंने करेले की यहाँ पर फसल लगाई है सब्जी उत्पादन के लिए। तो आज आप लोगों को हम दिखाएंगे कि यहाँ किस प्रकार इन्होंने ये पूरी की पूरी टनल और बेड बनाकर इस तरीके से इसे सुरक्षित किया हुआ है। ये पूरा आप देख रहे हैं कि लगभग 2.5 से 3 बीघा का ये पूरा का पूरा इनका एक फार्म हाउस है जहाँ पर पूरा ये प्रशिक्षण के लिए एक सेटअप किया हुआ है। आप देख रहे हैं कि जहाँ तक दूर तक ये कैमरे की जो फोकस आप लोग देख रहे हैं यहाँ पूरा का पूरा ये किसान प्रशिक्षण केंद्र है। नाबार्ड के सपोर्ट से युवा जागृति मिल्क एंड एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड जो कि एक FPO है उसकी ये एक प्रशिक्षण केंद्र इकाई है जहाँ एक तरफ अजोला की यूनिट लगी हुई है, दूसरा यहाँ जैविक खाद के लिए पूरा का पूरा बेड बना हुआ है, साथ में सोलर पंप सेट जो कि पानी के लिए यहाँ पर लगाया हुआ है, उसी के माध्यम से पानी को बचाने के लिए किसानों को एक जिस तरीके से हम कहते हैं कि बूंद बूंद सिंचाई पद्धति जिसे कि ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से जाना जाता है उसको भी यहाँ पर ये जो तरबूज की खेती की गई है उसमें उपयोग में लिया गया है। तो आज हम आप लोगों को यहाँ लाइव ये डेमो जो यूनिट की बजाय हमने लाइव जो पूरा का पूरा इन्होंने सेटअप किया हुआ है उसे इस वीडियो के माध्यम से दिखा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि पूरा का पूरा एक बीच में पाइप इन्होंने आर पार इस तरीके से फैला रखा है और यहाँ जो आप ये देख रहे हैं ये बेड बना हुआ है और इसमें ये बारीक पानी की सप्लाई के लिए लाइनें लगी हुई हैं। और अगर किसी बेड में पार्टिकुलर पानी की सप्लाई करना है तो यहाँ ऑन ऑफ की भी एक फैसिलिटीज यहाँ पर दी हुई है। अगर इस बेड में पानी की सप्लाई को स्टार्ट करना है तो इसे आप ऑन कर सकते हैं। इसी प्रकार पूरा का पूरा इन्होंने ये पाइप सिस्टम सेटअप करके और आगे की ओर आपको हम लेके चलते हैं। इन्होंने पूरे के पूरे पार्ट को 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। अगर आधे हिस्से में पानी को लेके चलना है तो यहाँ ये नोजल को दोनों तरफ ऑन ऑफ के इन्होंने वाल बना रखे हैं। किस तरीके से कम खर्चे में और आधुनिक तरीके से खेती को कैसे किया जाए ये पूरा का पूरा डेमो की बजाय लाइव तरीके से इन्होंने ये पूरा सेटअप किया हुआ है। ये अगले पिछले 10 से 15 दिनों की मेहनत पूरी टीम के साथ मिलकर गिरिराज जी और हरीश जी के नेतृत्व में इस पूरे काम को किया गया है और बाकी कई सारे आसपास के जो FPO के फार्मर्स हैं उन्होंने भी यहाँ ये जो अब की बार तरबूज की और खरबूजा और साथ में करेले की जो यहाँ पर बीज लगाया गया है उसको उन लोगों ने देखा है और कई प्रगतिशील किसान जिन्होंने यहाँ से इस ट्रेनिंग को सीखकर अपने यहाँ पर अब की बार तरबूज की खेती की है। 8 से 9 किसानों ने लगभग 30 से 40 बीघा के अंदर अब की बार तरबूज की खेती आरंभ की है। कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि विभाग और नाबार्ड इनका टेक्निकल सपोर्ट हमेशा से रहा है इन फार्मर्स के लिए। तो हम आप लोगों को यही कहना चाहेंगे आज गांववाणी स्टूडियो के बैनर तले रविवार विशेष कार्यक्रम में हमने आप लोगों को कृषि से जोड़ने का एक विशेष जो ये कार्यक्रम आप लोगों के साथ प्रकाशित कर रहे हैं। तो हमारा प्रयास रहता है हमेशा इसी प्रकार के नए नवाचारों को इसी गांववाणी स्टूडियो के बैनर तले आप लोगों के साथ साझा रूप से साझा करने का। तो चलिए हम आपसे यहाँ रूबरू कराएंगे गिरिराज जी और हरीश जी से कि जिन्होंने किस प्रकार इस टेक्नोलॉजी को सीखा और सीखकर उन्होंने इसे यहाँ अपनी टीम के साथ मिलकर 15 दिनों की मेहनत करके और ये पूरे के पूरे बेड बनाए, किस प्रकार इसको सिंचाई की एक पद्धति को इन लोगों ने सीखा।
आपने देखा कि किसान प्रशिक्षण केंद्र एफटीसी पे युवा जागृति मिल्क एंड एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के माध्यम से ये एक पूरा का पूरा तरबूज खरबूजा और करेले की जो इन्होंने यहाँ ड्रिप इरिगेशन और टनल के माध्यम से ये पूरा का पूरा बेड बनाकर यहाँ पर तरबूज खरबूजा और साथ में करेले की यहाँ पर इन्होंने बीज लगाया है। तो आज हम आपको यहाँ पर गिरिराज जी से आपको रूबरू कराएंगे कि उन्होंने किस प्रकार यहाँ पर अब की बार विभिन्न प्रकार के जो ट्रेनिंग प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद कृषि विज्ञान केंद्र साथ में कृषि विभाग और विशेषकर अपने प्रगतिशील किसान की मदद के माध्यम से इन्होंने यहाँ साझा प्रयास करके और अपनी टीम के माध्यम से ये एक नवाचार किया है। आसपास के 8 से 10 फार्मर्स भी इनके साथ जुड़कर और यहाँ इसे सीखकर और लगभग 30 से 40 बीघा के अंदर अब की बार तरबूज और इस प्रकार ड्रिप इरीगेशन के माध्यम से उन्होंने खेती का करना आरंभ किया है। तो चलिए हम गिरिराज जी से आपको जानकारी दिलाते हैं कि कैसे गिरिराज जी ने इस विधि के माध्यम से बाकी किसानों को भी जोड़ा। तो गिरिराज जी, हम जानना चाहेंगे कि आपने यहाँ इस किसान प्रशिक्षण केंद्र के ऊपर किस प्रकार ये नवाचार करने का आपने सोचा और यहाँ हमने देखा कि 2 से 3 बीघा जमीन के ऊपर आपने अब की बार ड्रिप इरिगेशन मल्चिंग के माध्यम से आपने यहाँ पर तरबूज खरबूजा और साथ में करेले को यहाँ आपने लगाया है। तो मैं जानना चाहूँगा कि कितने किसान यहाँ से आपसे प्रशिक्षण लेकर और आपने भी यहाँ पूरा का पूरा लाइव डेमो यहाँ पर सेटअप करने की बजाय उन्हें 3 से 4 दिन तक लगातार फील्ड पर यहाँ लाकर और युवा जागृति मिल्क एंड एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी के जो मेंबर्स हैं उन लोगों को आप लोगों ने यहाँ पर एक प्रशिक्षण दिया। तो मैं जानना चाहूँगा कि कैसे आप लोगों ने स्टार्टिंग से लेकर इसे 2 से 3 दिन तक लगातार इसे पूरा का पूरा कंप्लीट किया, लेकिन पिछले 15 दिनों की आपकी मेहनत है इसे जिसे आज हम शूट कर रहे हैं। गिरिराज जी नमस्कार। सर्वप्रथम मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ युवा जागृति संस्थान को जिसने युवा जागृति मिल्क एंड एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी का निर्माण करके हमें ये कार्य करने का सौभाग्य मिला। इसके तहत जो हमने लक्ष्य लिया था कि हम किसानों की आय बढ़ाने के लिए उन्नत तकनीक से कृषि करेंगे, उनको सिखाएंगे और ट्रेनिंग देंगे, तो उसी के तहत हमने ये जगह ली थी। इस बार हमारा प्लान था कि हम उन्नत तकनीक से कुछ नया तरबूज करेले ऐसे लगाएंगे, तो इसमें हमने कुछ किसानों को साथ लेकर लिस्ट बनाई, उन किसानों ने अपने यहाँ भी लगाए हैं। तो मैं किसान भाइयों को बताना चाहता हूँ कि ये ज़्यादा कठिन नहीं है, ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, बस हमें कुछ प्लानिंग के साथ और स्टेप बाय स्टेप करने होते हैं, उसके बाद काम बहुत आसान हो जाता है और एक उन्नत कहें या फिर अच्छा कहें या हाइब्रिड कहें या बढ़िया कहें हम फसल का लाभ ले सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सर्वप्रथम हमने जमीन को ट्रैक्टर से तैयार करवाया, इसमें जोत लगवाई, बाल लगाई, उसके बाद इसके बेड का हमने निर्माण किया। बेड का निर्माण करते वक्त इसकी आवश्यक उर्वरा कुछ खाद वगैरह हमने इसमें मिलाए, उसके बाद बेड निर्माण के बाद हमने मल्चिंग की, मल्चिंग के बाद बीज को तरबूज का जो हमने 3-4 किस्म का जो अपने मार्केट में मिल रहे हैं जैसे बाहुबली, ताज 22, सुल्तान, उनका हम बीज लेके आए ताकि हम किसानों को बता सके कि कौन सी फसल और कौन सा बीज अपने यहाँ के लिए ज़्यादा सूटेबल रहेगा और अच्छी फसल देगा हमें। उस तरह से हमने जगह नाप करके निशान लगा कर तो बीज लगाया। बीज लगाने के बाद हमने इसको कोप कवर से इसको ढक दिया है। अब 2 से 3 दिन में ये बीज बाहर निकल अंकुरित होकर बाहर निकल जाएंगे। और मैं बताना चाहता हूँ किसान भाइयों को कि इसमें शुरू में अपने 10 से 15 दिन का काम होता है 3 बीघा जमीन में, कि हम सबसे पहले जमीन को तैयार करेंगे, उसमें आवश्यक खाद वगैरह डालेंगे, तैयार करने के बाद बेड को सही करेंगे, बेड को सही करने के बाद हम मल्चिंग करेंगे, मल्चिंग करने के बाद बीज लगाएंगे, बीज लगाने के बाद संटी से कोप कवर ढकेंगे और पानी देंगे। ये हमारा काम रेगुलर होता है, उसमें हमें कुछ मजदूरों की भी आवश्यकता होती है और लगातार करना होता है। उसके बाद अब हमारा बीज लग के तैयार हो गया, अंकुरित होगा, अब हमें इसमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। हम इसमें दवाइयाँ, कुछ कीटनाशक दवाइयाँ, पानी और समय समय पर देखभाल करते रहेंगे, जो हमारा एक बंदा भी पूरे 3 बीघा को संभाल लेगा। और हम उम्मीद करते हैं कि इसमें हम अच्छी पैदावार और एक
किसानों के लिए जो और भी जानकारी है हम कलमबद्ध कॉपी में नोट कर रहे हैं, उनको बता पाएंगे कि इतनी बीघा में इस कंपनी का बीज ने इतनी पैदावार दी है, इसने इतने एकड़ पैदावार दी है, जो भी कमियां हैं उनको भी हम नोट करेंगे और जो अच्छा होगा बेस्ट से बेस्ट करके हम किसानों को दिखाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा गिरिराज जी, आपने बताया कि किस प्रकार ये पूरा का पूरा फार्म हाउस जो आपने यहाँ पर सेटअप किया हुआ है, इसमें कैसे आपने शुरुआत की और शुरुआत करने के साथ किस प्रकार आपने मोटिवेट किया किसान कम्प्लीटली इस पूरे के पूरे फार्म हाउस के ऊपर आके लाइव। आज से आठ किसानों ने इस चीज को देखा और आपने बताया कि कैसे स्टेप बाय स्टेप तरीके से आपने इनका फॉलो करते हुए इसे नोट डाउन भी किया है। अलग अलग वैरायटी के 3 से 4 प्रकार के बीज आपने यहां पर लगाए हैं, तो बाकी किसान भाइयों को भी हम कहना चाहेंगे कि वो भी परंपरागत खेती के साथ आधुनिक खेती के इस नवाचारों को अपनाएं और यहां अगर किसी किसान भाई को ये चीज सीखनी हो, लाइव तरीके से देखना हो, तो यहां किसान प्रशिक्षण केंद्र पर आकर और इसे सीख सकता है, देख सकता है, पूरा लाइव तरीके से समझ सकता है। जैसे अब की बार मैंने बताया कि 8 से 9 फार्मर्स ने जो युवा जागृति मिल्क एंड एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के मेंबर्स हैं, जो विशेषकर महिलाएं हैं, उन्होंने इस प्रशिक्षण को सीखा है और सीखने के बाद वो अपने यहाँ पर भी इस चीज़ को अब की बात प्रायोगिक तरीके से कर रहे हैं और निश्चित रूप से हमें विश्वास है कि वो किसान अपनी परंपरागत खेती के साथ में उन्हें मुनाफा भी अच्छे लेवल पे होगा। पिछली बार हमने 2 किसानों को यहाँ पर डेमो किया था, अब की बार हमने 8 प्रगतिशील किसानों को इस अभियान में जोड़ा है। तो आप भी अगर अपने खेती के साथ जुड़कर और परंपरागत तरीके की बजाय आधुनिक और वैज्ञानिक तरीके से खेती करना चाहें तो आप युवा जागृति मिल्क एंड एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के इस किसान प्रशिक्षण केंद्र पर आए जहाँ इन्होंने वर्तमान में 3 प्रकार के नवाचार किए हैं। वर्मी कंपोस्ट यूनिट यहां सेटअप की हुई है, अजोला का यहां पर इन्होंने सेटअप किया हुआ है और पूरा का पूरा फार्म हाउस इस प्रकार से प्रशिक्षण के रूप में स्टेबल किया हुआ है जहां किसान आकर और आसानी से अपना प्रशिक्षण कर सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम हरीश कुमार सैनी, SSG कोऑर्डिनेटर बानसूर। मैं सभी किसान भाइयों से कहना चाहूंगा, जो अपन तरबूज के ड्रिप सिस्टम से काम किया है, हमने यहाँ FTC युवा जागृति मिल्क एंड प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड में कोथल में यहाँ किसान भाइयों के लिए हमने यहाँ 3 बीघा में तरबूज लगाया और वहाँ किसानों को प्रशिक्षण दिया गया, यहाँ लाके लाइव दिखाया गया भाई बीज किस तरह से लगाना चाहिए। आज के युग में पानी का जो बचाव करना चाहिए, हमारे क्या है फुहारा सिस्टम चलता है पहले, और यहाँ आधुनिक तकनीकी से यहाँ ड्रिप सिस्टम लगाया गया, पानी की भी बचत होती है, समय की भी बचत होती है। पहले के यानी कि किसान भाई थे वो पूरी पूरी रात पानी के आगे खड़े रहते थे, अब आधुनिक तरीके से यहाँ ड्रिप सिस्टम करके नई तकनीकी से पैदावार की जाती है और खर्चा कम लगता है, मुनाफा फायदा ज़्यादा होता है। ऐसे हमारे युवा जागृति मिल्क FPO है, इसके तहत हमने 9 किसानों को ऐसी लाइव ट्रेनिंग दी गई और वो किसान जागरूक होकर यहाँ ड्रिप सिस्टम से तरबूज किया। जैसे कि बिलाठ में बात करें पूनम देवी, आलमपुर में बात करें तो राधा देवी, मनीषा देवी, और बात करें साधु नदी के पास, वहाँ 3 किसानों ने वहाँ भी लगाया संतरा, रेशमी, और एक यहाँ ऐसे 8-9 किसानों के यहाँ हमने तरबूज का लगाया गया है। मैं सभी किसान भाइयों से प्रकार खेती में नवाचार करके किसान आज अपनी आधुनिक और नवीन तकनीकों के माध्यम से किस प्रकार खेती में ये नवाचार करके उन्होंने अपनी आमदनी को बढ़ाने का एक प्रयास किया है। यहाँ युवा जागृति मिल्क एंड एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड जो नाबार्ड के माध्यम से महिलाओं की एक ऐसी अनोखी कंपनी महिलाओं ने संगठित होकर बनाया है और युवा जागृति संस्थान का इसमें तकनीकी सपोर्ट है जिसके माध्यम से इन महिलाओं को आगे बढ़ने का एक अवसर प्रदान किया जा रहा है। हमने देखा कि यहाँ पर पिछले 15 दिनों तक लगातार एक ट्रेनिंग सेशन का आयोजन किया गया जिसमें 9 प्रगतिशील किसान महिलाओं ने भाग लिया। लगातार 9 दिन तक उन्होंने यहाँ पर लाइव तरीके से देखा कि कैसे ये जो तरबूज की खेती की जाती है उसके लिए शुरुआत में जमीन को जुताई बुआई करने से लेकर उसमें बेड निर्माण करने का काम और किस प्रकार उन्होंने मल्चिंग और ड्रिप को किस तरीके से लगाया, फिर बीज को लगाने से पहले उपचार कैसे किया जाए, उसे भिगोया गया, इन सभी कामों को लाइव तरीके से यहां उन्होंने सीखा। और सीखने के बाद एक सबसे बड़ा विशेष जो बदलाव अब की बार हमने देखा और ये वो क्या देखा कि लगभग 8 जो महिलाएं यहां पर प्रगतिशील किसान के रूप में प्रशिक्षण प्राप्त करके गई, उन्होंने अपने यहां 40 बीघा में
इस खेती को करना आरंभ किया, जो कि एक नया नवाचार है और हमें निश्चित रूप से उम्मीद है कि अब की बार ये परंपरागत खेती की बजाय उन्होंने आधुनिक खेती से अपने आप को जोड़ा है और इसी के माध्यम से ये बदलाव भी निश्चित रूप से इनके पास आएंगे। तो मैं आपसे यही आग्रह करूंगा कि आओ लौट चले गांव की ओर, प्रकृति की ओर। गांववाण स्टूडियो का रविवार विशेष कार्यक्रम, जिसका हमेशा यही प्रयास रहता है कि गांव के अंतिम छोर पर किए गए नवाचार, जिन्हें हम गांव से लोगों तक पहुंचाने का काम कर सकते हैं। तो इसी प्रकार हम अगले रविवार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए आपसे विदा चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।